sees a lot of rainfall. Let's take the photo. Let's take the photo. Please go. गुड मॉर्निंग इंटरनेट, सुबह हो चुकी है एक और बहुत खूबसूरत मस्कट ओमान में, और हम लोग आज जा रहे हैं जबल अकदर करके, यहाँ पे पीक है नॉर्थ ऑफ ओमान में। एंड ये हमारे ड्राइवर जो हमें कल मिले थे बांग्लादेश से, अजीज, ये हमें लेके जा रहे हैं। तो देखते हैं व्हाट द डे हैज ऑन ऑफर फॉर अस टुडे। यहाँ पे टैक्सीज जो होती है, मतलब प्राइवेट टैक्सी भी होती है, ओमानी लोग प्राइवेट कार को टैक्सी की तरह चला सकते हैं, वो नेगोशिएट करके चलती है, वो मीटर से नहीं चलती। और मीटर से चला गया दूसरा मरहबा टैक्सी। अच्छा, वो कंपनी का टैक्सी है? कंपनी का टैक्सी है, वो एक कंपनी नाम दिया हुआ है, लेकिन अपना अपना खुद का टैक्सी। अच्छा अच्छा, अपना टैक्सी लेते हैं, खुद चलाते हैं, कोई भी चला सकता है ओमानी। जो मीटर लगा हुआ सरकारी गवर्नमेंट लगा हुआ। अच्छा, रियाल यानी कि 600 रुपए का फाइन है, और ओवर स्पीडिंग का अगर कैमरा में पकड़ा जाता है तो 10 ओमानी रियाल यानी कि 2000 रुपए का फाइन है। फैमिली आपकी हमेशा, मतलब वो यहाँ नहीं आए? आए कि नहीं? आज तक मतलब 9, मतलब 3 + 9 12 और फिर यहाँ पे 11, तो मतलब 23-24 साल हो गए, उसमें आपकी फैमिली एक बार भी नहीं आ पाई यहाँ पर? हम लोग गरीब आदमी। तो ये सब बेसिकली पंजार गांव है, और ये बहुत फेमस है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ओमानी लोग आते हैं। यहाँ पर एक झरने का गर्म पानी है। हाँ, पानी है, और उसमें मतलब वो एक रिवर की तरह बेसिकली बहता है। तो जब लो सीजन होता है यानी कि बारिश नहीं हो रही होती है, तो वो रिवर या तो ड्राई होती है या बहुत ही उसमें कम पानी होता है, तो लोग वहाँ पर कारवार पार करके यू नो अपना अच्छा खासा फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। पिछले साल की आप बात बता रहे थे ना कि लोग बह गए थे, पाँच लोग मर गए थे पिछले साल, चार महीने पहले। अच्छा, चार महीने पहले। बहुत आदमी मर गए थे ना, बहुत आदमी नहीं है, वो सहाम सोहार वहाँ पर हुआ था, सोहार में तो ऐसा बारिश हुआ था बहुत, लेकिन इतना नहीं हुआ, वो आदमी लोग का गाड़ी मड़े खराब हो गया रात को पार्किंग में था। तो उन्होंने नेशनल डे पे अपने पैसा देके उनको सारा यू नो फैमिलीज को रिहैबिलिटेट किया बेसिकली। ये ओमानी घर है गांव के। हमारी कार के जस्ट बाहर ये नाली जैसा ही, एक्चुअली सब वहीं से पानी आ रहा है, नेचुरली फ्लोइंग वाटर है ये। गर्म है, मॉडरेटली वार्म है, बहुत हल्का हल्का गर्म है। ये इन्होंने यहाँ पर इस तरीके से नहाने के लिए बना रखा है, अपने आप आराम से नहा सकते हो इसमें, पूल में डिप करके नेचुरल पूल बना दिया, जहाँ पे एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है, तो वहाँ जाके पूरा ओमान के बहुत बड़े एरिया का, स्पेशली मस्कट के, जैसे हम जस्ट बाहर हैं अभी, तो मस्कट का बहुत अच्छा पूरा व्यू हमें मिल पाएगा। तो अबैंडन्ड ओल्ड विलेज है बेसिकली, मतलब विलेज के घर, विलेज अभी भी है बट विलेज अब यहाँ लोग नहीं रहते, प्रॉपर नए मॉडर्न स्टाइल घरों में लोग रहते हैं, बट पहले इस तरीके से रहा करते थे। ये फिर भी थोड़ा घर टाइप लग रहा है। तो वहाँ ऊपर पहले के ज़माने का कोई पुलिस चौकी था, वहाँ जा रहे, वहाँ से सारे एरिया का व्यू मिल जाता था। वो सामने वो मंजिल है, वो
उनको गवर्नमेंट की तरफ से क्या बेनिफिट क्या अवेलेबल है? गवर्नमेंट कुछ देता है लाइक जॉब में तो उनके लिए? गवर्नमेंट जॉब तो मानी लोगों के लिए जॉब है और कुछ नहीं है। कुछ कुछ पैसा देता है स्पेशल बोलेगा तो जो बुढ़ा हो गया आदमी रिटायर हो गया बुढ़ा हो गया उसका 150 रियल देता है। अगर किसी और नेशनलिटी से भी ओमानी लोग शादी करते हैं तो उनके बच्चों को सेम राइट नहीं मिल पाता जो ओमानी ओमानी असली ओमानी को वो अलग जरूरी है। अच्छा अच्छा अच्छा। पेट्रोल के लिए ब्रेक लिया है। मस्त नाश्ता हुआ एक रियाल में, परांठा दाल और मैंगो फ्रूट मैंगो शेक, मतलब जबरदस्त। करीब करीब लंबाई में सीधा सीधा है तो ये रोड जो है वो ये रोड पूरी ऑल अक्रॉस द कंट्री सीधी जाती है। किधर से आए आप लोग? दिल्ली से। दिल्ली से तो आए थे जब पहले इतने मान से काम कर रहे थे ऐसे ही घूमने वास्ते? नहीं घूमने के लिए आए हैं। घूमने वास्ते आए हैं सर। अच्छा आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं? आज तक थे यार मैंने 25-26 साल हो गए। 25-26 ओमान में ही हो गए? 90 में आए थे। अरे वाह सही। ये ड्राइवर है सामने ओमानी जो लेके जा रहे हैं हमें ऊपर जबल अकदर जो पीक है। जबल का मतलब होता है माउंटेन, अकदर का मतलब होता है ग्रीन हरियाली यानी कि हरा माउंटेन। अभी तो हरियाली दिख नहीं रही, मानसून तो है नहीं, बट यहाँ के पीछे और काफ़ी लंबी ड्राइव है, पौना घंटा या एक घंटे की ड्राइव ऊपर है, फिर वहाँ थोड़ा टाइम मिलेगा एंड देन फिर नीचे सेम टाइम आने में लगेगा। जबल अख्तर में केवल ऊपर ये 4x4 मतलब बड़ी जो SUVs होती हैं केवल वही जा सकती है, 4-wheel drives, बिकॉज चढ़ाई है तो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है नॉर्मल कार्स को कि कभी कोई प्रॉब्लम ना हो एक्सीडेंट ना हो उसके कारण। तो ये यहाँ पे जो लोकल टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनके लिए दैट्स द बिजनेस। ये हमारे ड्राइवर जो है व्हाट्स योर नेम? सईद। जबल अख्तर वो करीब 3000 meters अबव द सी लेवल है तो ऊपर जाके बोलते हैं काफ़ी एक्चुअली ठंडा हो जाता है टेम्परेचर एंड कई बार तो नेगेटिव में भी होता है ऊंचे डेजर्ट में नेगेटिव टेम्परेचर। मानसून में यहाँ पर झरने वगैरह और ये यहाँ पर सब पानी नदी वगैरह रहती है तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। लेट्स गो। तो हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं हमें एक्चुअली ठंडक महसूस हो रही है और हमारे कान भी बंद हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द हाइट। तो यहाँ पर अभी टेम्परेचर जो है वो 16 डिग्री ऑलरेडी हो चुका है जबकि नीचे कम से कम 27-28 बहुत तेज धूप थी और अभी और ऊपर जाएंगे तो कम होना चाहिए। प्लस सुबह ये बता रहे हैं कि ये दूसरा ट्रिप है इनका, सुबह ये 8 डिग्री टेम्परेचर था यहाँ पर। तो यहाँ पे जब कभी नेगेटिव होते हैं टेम्परेचर और बारिश हो जाती है तो जो वो पानी होता है बारिश का वो एक्चुअली स्नो बन जाता है, फ्रीज हो जाता है, तो ये सब वाइट एंड अलग ही और इस प्लेस का फिर दिखाई देता है। तो इस तरीके से हो जाता है कुछ जब हमारे ड्राइवर जो है उनके पास उसकी रिकॉर्डिंग है गए होंगे कभी तो इस तरीके से वो सारा। तो व्हेन देयर इज मोर वाटर दिस वुड गेट ब्लॉक्ड द रोड विल गेट ये देखिए इसीलिए 4x4 चाहिए कि मतलब पानी भी हो बीच में तो भी उसको आप इजीली क्रॉस कर सको। हाइकिंग ट्रेल्स बनी हुई है और ये जो सूखे सूखे पेड़ दिखाई दे रहे हैं वो एक्चुअली अनार की खेती है, अनार उगता है बट अभी मौसम नहीं है तो वो ड्राई हो रखा है। ये जो हाइकिंग के लिए लोग आए हुए यहाँ पे एक रेस भी चल रही है एक्चुअली तो जिनको कोई इंजरी वगैरह हुई है वो उनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की फैसिलिटी यहाँ पर है। There is a canyon there. Yeah. Okay. Okay. यहाँ कोई कैनियन है एंड में वहाँ तक वॉक करके जाते देखते क्या है। सीधे शेप खाते हुए जा रहे हैं वैली का आनंद लेने के लिए। ये पूरा एरिया है वहाँ नीचे सब खेती बाड़ी हो रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे इरीगेशन प्रोजेक्ट बनाए हैं जो यहाँ पे
रेन वाटर रनवे होता है उसको कलेक्ट कर लेते हैं डैम्स में और फिर उससे कैनाल बना करके पंप करते हैं पूरे साल पानी इस तरीके से जो वैलीज हैं वहाँ पर खेती बाड़ी करने के लिए। तो बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह उगते हैं, जैसे अभी हमने एक ट्राई किया था एप्पल, तो ये सब लोकली यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं और सिर्फ यहीं पे नहीं पूरे बाकी मिडल ईस्ट के रीजन में ये लोग यहाँ से एक्सपोर्ट भी करते हैं उसको। तो ये अपने आप में करिश्मा है, कुछ कुदरत का कुछ मैन मेड कि डेजर्ट में आप देख रहे हैं खेती बाड़ी होते हुए। वहाँ सब खेती हो रही है सब्जियों की, सब्जी और गाय भैंस का चारा वहाँ पे जो बच जाता है वो गाय भैंस का चारा बन जाता है। और अभी हमारे ड्राइवर जो है हमें कुछ घर दिखा रहे थे, तो मैं भी आपको और अगर मिलेंगे तो दिखाऊंगा। इतने बड़े बड़े विलाज हैं यहाँ पर, फाइव बेडरूम, यू नो, फाइव सिक्स टॉयलेट्स एंड बालकनीज, गार्डन, बहुत बड़ा सा विला। वो आपको यहाँ पे 40,000 रियाल से लेके 60,000, और ये मतलब जब लग द टूरिस्ट स्पॉट है तो यहाँ महंगा है। अगर सिटी में जाएंगे हाउ मच कैन वी एक्सपेक्ट द प्राइस टू बी लाइक इन द सबर्ब्स ऑफ मस्कट फॉर अ विला? Different for the villa, maybe one villa, maybe 40,000 real to 50,000 real like that. So it's cheaper in the suburbs of Muscat than here. देखिए मुझे अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा कि आपको कितना क्लियरली, मुझे पता नहीं लग रहा कितना क्लियरली कैमरे पे कैप्चर हो रहा होगा, बट इस टाइप का विला दो स्टोरीज हैं, 5 से 7 इसके अंदर कमरे होंगे एंड कोर्टयार्ड है, गार्डन है, सब कुछ फेंस्ड है। ये आपको कुछ ऐसे ही 40-50,000 रियाल में मिल जाएगा एंड ये पूरा ऐसे कॉलोनीज़ है, रोड्स है, सब कुछ सारी फैसिलिटीज़ हैं। पर यहाँ पर सामान लाने और ले जाने की बहुत कॉस्ट आ जाती है जिसके कारण कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन काफ़ी बढ़ जाता है और बहुत सारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोग बेसिकली घर बना के इस तरह से इंडिविजुअल घर एंड फिर सेल कर देते हैं फॉर अ वेरी गुड प्रॉफिट। ड्राइवर साहब हैं सईद साहब, इनका खुद अपना घर बोल रहे थे 55,000 दिरहम का घर है। और एक और डिसाइडिंग फैक्टर बता रहे थे कि क्या होता है कि यहाँ पे जो ये ज़मीन है वो बिल्कुल पत्थर है, तो आपको बेसिकली पत्थरों को तोड़ के और डिग करके और फिर वहाँ पर फाउंडेशन ले करनी पड़ती है बहुत स्ट्रॉन्ग, उसमें बहुत पैसा खर्च हो जाता है, उसके कारण भी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती, नहीं तो और भी सस्ती हो सकती है यहाँ पर। तो इसी के साथ जो हमारा सफ़र था जबल अख्तर का वो ख़त्म हुआ। यहाँ डेजर्ट में एक और बहुत 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 बेहतरीन शाम का अंत हो रहा है, सनसेट हो रहा है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, बहुत प्यारा लगता है डेजर्ट का सनसेट, मैं हमेशा कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ, मुझे स्पेशली डेजर्ट का सनसेट बहुत पसंद है। आपको अगर ये ट्रिप अच्छा लगा हो, सही से मिलना अच्छा लगा हो, ये हमारे जो अजीज़ भाई हैं उनसे मिलना अच्छा लगा हो, तो ब्लॉग को शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ये हमारे होटल के मैनेजर हैं, ये उनके भाई हैं।